दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट यानी ओडी और सीसी अकाउंट के बीच जो अंतर है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ओडी अकाउंट क्या होते हैं और कैश क्रेडिट क्या होते हैं। देखिए, ओडी अकाउंट भी एक तरह का लोन अकाउंट ही है। ओडी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप अकाउंट में पड़ी हुई अमाउंट से भी ज़्यादा राशि निकाल सकते हैं। आपको केवल लोन पर ली हुई राशि पर ही ब्याज देना होगा, यानी आप जितना ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं आपको उतना पे ब्याज देना होगा। यह भी एक करेंट अकाउंट की तरह होता है, इसलिए इसमें आप डेली जितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और जो डे एंड में जो बकाया होगा, जो बैलेंस राशि होगा, उसी पे आपको ब्याज देना होता है। जबकि कैश क्रेडिट एक कैश लोन होता है जो बिजनेस मैन को उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए दी जाती है। जो वर्किंग कैपिटल गैप्स होती है, जो करंट एसेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए एक दिया जाता है। जो शॉर्ट टर्म लोन है, ये स्ट्रिक्टली बिजनेस के लिए दिया जाता है। आइए अब हम कुछ बेसिक डिफरेंस देख लें इन दोनों में, जो काफ़ी हद तक एक जैसा लगता है, पर कुछ जो डिफरेंसेस है वो हमें जानना चाहिए। आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो ओडी अकाउंट है वो आप बिजनेस और पर्सनल यूज दोनों के लिए दे सकते हैं, पर जो सीसी है वो खासकर बिजनेस के लिए, स्ट्रिक्टली फॉर बिजनेस। हम इसे पर्सनल यूज के लिए किसी को भी नहीं दे सकते हैं। और जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, अगर ओडी और सीसी में जो डिफरेंस पूछा जाए या जानना चाहिए, वो यह है कि ओडी में जो सिक्योरिटी होती है वो प्री एग्जिस्टेंस होती है, यानी वो सिक्योरिटी पहले से होती है और उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बैंक आपको लोन देता है। जो सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है, जैसे बैंक की एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एलआईसी पॉलिसी, हाउस प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज रख के दिया जाता है, म्यूचुअल फंड, शेयर अगेंस्ट, ये सब के अगेंस्ट में दिया जाता है। और जो सीसी के केस में होता है, वो जो सिक्योरिटी होती है वो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं होती है, पहले लोन दिया जाता है, फिर सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी क्रिएट होता है और वो बैंक में हाइपोटेकेशन या जो भी सिक्योरिटी के हिसाब से बैंक के पास वो रहता है। तो देखिए, जो स्टॉक हुआ, पहले बैंक सीसी देगा, पार्टी उससे स्टॉक खरीदेगा, फिर आएगा संडी डेप्टर या, और ये जो सीसी है हम बिना कोलेटरल या कोलेटरल के बगैर भी दे सकते हैं। जनरली 10 लाख तक कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है, पर ये दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है कि जो सिक्योरिटी होती है ओडी में वो प्री एग्जिस्टेंस होती है, और जो सीसी अकाउंट में पहले लोन दिया जाता है उसके बाद सिक्योरिटी क्रिएट होती है। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि ओडी में हम जो विड्रॉल लिमिट देते हैं वो थ्रू आउट द लोन पीरियड सेम रहती है, पर सीसी के केस में ऐसा नहीं आता। सीसी के केस में ये करेंट एसेट के हिसाब से वेरी करता है। हर मंथ ब्रोअर को अपने स्टॉक स्टेटमेंट, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट देना होता है, उसके हिसाब से उसकी ड्रॉइंग पावर फिक्स की जाती है हर महीने। और दो चार जो बेसिक डिफरेंस है वो देखेंगे हम। ओडी अकाउंट में हम एंड यूज की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। ओडी अकाउंट में पार्टी ने किस बिजनेस के लिए लोन लिया, पर्सनल यूज के लिए लोन लिया, लोन लेके उसने बिजनेस किया या नहीं किया, पर्सनल यूज में लगा दिया, उसकी मॉनिटरिंग बैंक नहीं देखती है, वो इस अकाउंट में मायने नहीं रखती। पर वहीं सीसी के केस में एंड यूज के मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि हम प्योरली उसके बिजनेस पर्पज़ के लिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए दे रहे हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है कि अकाउंट इस फंड का डाइवर्सन ना हो या इसका सीफन ऑफ ना हो। ओडी के केस में आपको कोई मंथली स्टॉक स्टेटमेंट नहीं देना होता, जबकि सीसी के केस में ये कंपलसरी है। आपको यहाँ सिक्योरिटी की या किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पर सीसी में आपको जो प्रॉपर्टी प्राइमरी सिक्योरिटी है उसको आपको मॉर्गेज कराना पड़ता है। यही जो मैंने सबसे मेन डिफरेंस बताया, यही है कि ओडी में जो सिक्योरिटी होती है पीडी एग्जिस्टेंस होती है, जो प्राइमरी सिक्योरिटी, पर सीसी में बैंक के फंड्स के बाद वो सिक्योरिटी क्रिएट होती है बैंक के फेवर में। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।